सरकार हर हाल में 1932 हो या ओबीसी आरक्षण हो, इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हम लोग विधेयक पास करके इसको जरूर आगे भेजें, जो कि वापस लौटा दिया गया, लेकिन हम लोग ये प्रयास छोड़ने वाले नहीं है। साथियों, आज वो दिन है जो यहां का कायाकल्प करने का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारी सरकार ये पहली सरकार है जो पर्यटन पे पहला और पुरजोर तरीके से हर क्षेत्र में अपना ध्यान बटाने का काम कर रही है और उस पर पहल कर रही है, और धरातल पे पर्यटन स्थल कई जगह में घोषित किए जा रहे हैं ताकि ये राज्य को एक अलग पहचान मिल सके पूरे देश भर में। अभी जो हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं, इससे पूरे प्रदेश को ये सौगात मिलने जा रही है। आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारे संभावनाएं उत्पन्न होंगी, और साथ ही जिस तरह से, जिस जोर से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है और जो तरीके से, अभी देखिए कुछ दिन के बाद यहाँ पे पलानी में भी हम लोग इनॉग्रेशन करने वाले हैं। बहुत विभिन्न विभिन्न जगह में धरातल पे कई सारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए जिला के डीसी और पदाधिकारी लगे हुए हैं ताकि क्षेत्र को सजा के हम उसको पर्यटन स्थल घोषित करें। ये पहली सरकार है, पहले कभी कोई सरकार ने क्षेत्र में या प्रदेश में क्या हम लोग संभावनाएं को इकट्ठा कर सकते हैं, संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, इस पे कभी भी विचार नहीं किया। हमारी सरकार ने पहली बार पर्यटन नीति बनाई जिससे कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश को एक अलग पहचान दिया जाएगा और यहाँ पे कई तरह के संभावनाएं पैदा होंगी। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जो मेरे क्षेत्र में बढ़ चढ़ के इन्होंने पर्यटन स्थल जगह जगह पे, जहां पे भी इनको संभावनाएं दिख रही है, उस पे पुरजोर तरीके से काम करवाने का काम प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है साथियों कि हमारी सरकार कई सारी चुनौतियों से घिरने के बाद भी, आप देखिए जब हमारी सरकार बनी तो कोविड आया, 2 साल कोविड को इतने तरीके से सबको, सबका ख्याल रखते हुए, जहां पे पूरे देश में झारखंड की चर्चा हो रही थी कि बहुत अच्छे से झारखंड में कोविड को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह के योजनाएं बनाई जा रही है, लोगों का कैसे सहूलियत हो, तरह तरह से, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो राशन पहुंचाने की बात हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को लाने की बात हो, और उसके बाद भी जैसे जैसे स्थिति सामान्य होते गया वैसे वैसे सरकार ने ऐतिहासिक कदम का जो है कार्रवा चलते गया। कोरोना के समय में भी किसानों का ऋण माफी करना, जो पहले के कोई भी सरकार ने ऐसा नहीं कार्य किया, बच्चियों को छात्रवृत्ति देना ताकि बच्चियां भविष्य में आगे बढ़ सके, जो युवा है उनको रोजगार से, वो जो भी वंचित हो गए, चाहे वो कोरोना के वजह से हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन के वजह से हो, चाहे विभिन्न वजह से हो, लेकिन सरकार, जो पूर्व की सरकार ने जो चीजों को उलझा दिया था, हमारी सरकार उसको सुलझा सुलझा के हर चीजों को लोगों के समक्ष, एक जो भावना है लोगों का, जिस भावना के अनुरूप सरकार बनी है, उस भावना के अनुरूप सरकार काम करने का काम कर रही है। साथियों, आप जानते हैं साथ में ऐसी कई सारी कार्य है जो पत्रातू में आज तक इतिहास के मतलब पन्नों में भी आप देखेंगे, आजादी के बाद कई ऐसे काम है जो हमेशा से पेंडिंग रहा। मतकम्मा रोड जो इतने आजादी के बाद से लोग झेलते रहे, लेकिन हम लोग अपने सरकार में उसको धरातल पे उतारने का काम किए। अभी आप देखिए तालातांड से होते हुए बहुत लंबा एक 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर का रोड आने वाला है, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लगभग 25 करोड़ का योजना इस क्षेत्र में सिर्फ पत्रातू प्रखंड में उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं, जो हम पूरे पत्रातू वासियों के लिए बहुत खुशी का बात है, और ये हम लोगों के लिए, जो ये यहाँ की जनता के लिए जो सौगात है, ये कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। जो सरकार आपकी द्वार के माध्यम से एक एक लोगों तक पहुंचने का काम हमारी सरकार ने किया है, एक एक गरीबों तक पहुंचने का काम हमारी सरकार ने किया है, और सिर्फ सरकार आपकी द्वार के माध्यम से ही नहीं, बल्कि ऐसी ऐसी योजनाओं को धरातल पे पहुंचाने का काम किया, जो माताएं बहने जिनको पेंशन नहीं मिलता था, आज कोई भी माताएं बहने ये
नहीं कह सकती कि हमें पेंशन नहीं मिलता है। आज कोई भी विकलांग भाई बहन ये नहीं कह सकते कि हमें पेंशन नहीं मिला है। एक समय था जब शायद ही कोई आदमी दिखता था जिसको पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है। और सबसे बड़ा सौगात जो पहले कभी सरकार ने नहीं सोचा कि इतनी सारी कंपनियां आ रही है, ये मनमानी कर रही है, लोगों को कहीं से भी उठा के कहीं पे भी रख रही है, तो हमारे क्षेत्र के लोग कहां जाएंगे। उसके लिए हमारी सरकार ने ऐसा विधेयक विधानसभा से पास किया है जो 75% रोजगार लोकल को देने के लिए कंपनी अब मजबूर है और उसको समय समय पे अब मॉनिटर करने का समय हम लोग का आ गया है। अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे सबका आवास प्रमाण पत्र सबका मांगा जा रहा है कि आप कहां से हैं, और उनको सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो यहाँ के विस्थापित हैं उनको प्राथमिकता दिया जाए। साथियों, सरकार ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसको यहाँ मंच में अगर हम बोलना शुरू करें तो शायद बहुत देर हो जाएगा, लेकिन हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं जो हम सबके लिए गर्व का बात है, और हम चाहेंगे कि सभी वक्ता को मौका मिले बोलने का। और एक और चीज आपको खुशखबरी दे दे रहे हैं, क्योंकि भवन विभाग के सेक्रेटरी भी यहीं पे बैठे हुए हैं और दो काम अब तब में होने वाला है। इनके पास भी हमने कई बार गए, प्रक्रिया को इन्होंने बहुत मदद करके आगे भी बढ़ाए हैं। जो हॉस्पिटल है पतरातू में जो जर्जर अवस्था में था, अभी बहुत अच्छा और बहुत अच्छी एस्टिमेट में मॉडल हॉस्पिटल बहुत जल्दी धरातल पे उतरने का काम यहाँ पतरातू में करेगा, जिससे बहुत सारे लोग को फायदा होगा, वो लाभान्वित होंगे। साथ में जो आप उधर जाते हैं, जो पतरातू होते हुए जो फाटक के पास घंटों इंतजार करते हैं और आपको जाने में दिक्कत होता है, काफी समय बर्बाद होता है और जाम की लगातार वहां पे बनी रहती है सिचुएशन, उसको ठीक करने के लिए ओवरब्रिज बहुत जल्दी हम लोग पास कराने वाले हैं। और ये हमारे सरकार का ये सोच है, देन है, जिसके वजह से हम लोग उसको कर पाए हैं, और मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पे उपस्थित तमाम सभी अतिथिगण, सभी लोगों को हम तहे दिल से बधाई देते हैं, क्योंकि ये पर्यटन स्थल सिर्फ ये पतरातू के लिए सौगात नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए सौगात है। और ये जो विहार, पर्यटक विहार जो आज से शुरू होने वाला है, इससे आने वाले समय में बहुत खूब ये कायाकल्प करने का काम तो करेगा ही, साथ में अभी कुछ दिन के बाद आप देखेगा कि यहां से वहां तक आप रोप वे में भी जाने का आपको मौका मिलेगा, एक रोप वे भी तैयार होने वाला है। और यहाँ पे ऐसी ऐसी सुविधाएं आने वाली है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सुविधाएं होंगी, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पतरातू में माननीय मुख्यमंत्री जी का खास नजर है। और झारखंड में तो हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार एक एक जन तक पहुंचने का काम कर रही है, और हम लोग इसी तरह से बढ़ चढ़ के कोशिश करेंगे कि जो जो चीजें जो कभी जो सरकारें नजर नहीं डाली है, जो हमारे लिए संभावना है हमारे राज्य के लिए, उसको भी हम लोग जल्द पूरा करेंगे। और ये मैं उस विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी सरकार आम जनों के लिए है, आम जनों के भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी अभी समस्याएं अभी भी बाकी है, वो भी अभी रोप मतलब पाइपलाइन में है, और उसको एक के बाद एक सरकार का योजना के अंतर्गत वो भी पूरा होने वाला है। सरकार हर हाल में 1932 हो या ओबीसी आरक्षण हो, इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हम लोग विधेयक पास करके इसको जरूर आगे भेजे हैं, जो कि वापस लौटा दिया गया, लेकिन हम लोग ये प्रयास छोड़ने वाले नहीं है और इससे हताश होने वाले नहीं है। हम लोग इस पे डट के सामना करके और झारखंड को न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।